किसी फिल्म की कहानी लगे। ऐसा दिल दहलाने वाला, सबको चौंकाने वाला हत्याकांड हुआ है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा गांव में। एक घर की बहू ने अपने बदले की आग में अपने ही परिवार के एक नहीं बल्कि 5 लोगों की जान ले ली। इस औरत के पति की मामी भी इस घिनौने अपराध में शामिल पाई गई है। बहू पर हो रही त्रासदी का बदला लेने के लिए उसने ये साजिश की और उसके पति की मामी ने पैसों के लालच में इस अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की। सोच समझ के साथ ठंडे दिमाग से ये हत्याएं प्लान की गई हैं। इन हत्याओं के लिए कई हथकंडे लगाए गए जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। संघमित्रा कुंभारे सिरोचा के डाक विभाग में कार्यरत थी। इसी ऑफिस में रोशन कुंभारे भी काम करता था। संघमित्रा अकोला शहर की थी, पढ़ी लिखी थी, दोनों में जान पहचान बड़ी, दोस्ती हुई और यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था मगर बाद में संघमित्रा को ससुराल वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। इस शादी की वजह से संघमित्रा के पिता को पैरालिसिस हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। इन सब बातों का संघमित्रा पर असर हो रहा था। वो काफी तनाव में थी। इस त्रासदी से बाहर निकलने के लिए उसने एक साजिश की और इस साजिश में उसने अपने पति की मामी को भी शामिल किया। मामी को पैसों का लालच था, इसीलिए वो भी इस साजिश का हिस्सा बन गई। दोनों ने लगभग 1 महीना इस साजिश पर काम किया। घर में संघमित्रा की सास, ससुर, ननद, मौसी और लड़का सबको मारने की साजिश की गई। जहर देकर इन सबकी जान लेने का फैसला किया गया। साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने इंटरनेट पर कौन सा जहर इस्तेमाल किया जाए इस पर रिसर्च की। दूसरे राज्य से ये जहर मंगवाया गया और इसके बाद शुरू हुआ हत्याओं का भयानक सिलसिला। बहू ने अपने ससुर के उत्पीड़न से तंग आकर ये कदम उठाया। 52 वर्षीय शंकर कुंभारे के परिवार में उनकी पत्नी विजया कुंभारे हैं। 29 साल की विवाहित ननद कोमल भी परिवार में ही थी। मृतकों की पहचान 50 साल के आनंद उरादे और 28 वर्षीय रोशन कुंभारे के रूप में हुई है। रोशन की पत्नी संघमित्रा की उम्र 25 साल थी और पति की मामी रोजा रामते के, दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 22 सितंबर की रात को खाना खाने के बाद विजय शंकर कुंभारे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सिरदर्द और शिकायत के बाद उनके बेटे उन्हें चंद्रपुर ले गए। उसके बाद शंकर कुंभारे की भी तबीयत बिगड़ गई। घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी संघमित्रा कुंभारे नाम है और दूसरा उनकी दूसरी रिलेटिव रोजा रामटेके, इन दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की। एक हैवी मेटल पॉइजन यूज़ किया। उसमें हुआ कि ये 2 महिलाओं ने उनको पॉइजन दे करके अलग अलग, किसी को नॉनवेज में, किसी को दाल में और किसी को पानी में मिला करके पॉइजन दे करके उनकी हत्या की। जिस पर अपनी जान न्योछावर कर दी। घर वालों से लड़ झगड़ कर जिससे शादी की उसी पति ने मारा पीटा, ससुराल वालों के सामने ताने दिए। इससे आहत होकर एक पढ़ी लिखी महिला ने खुद ही के परिवार से बदला लेने की ठानी। पति की मामी, जो संपत्ति के विवाद के चलते इस परिवार से दूर हो गई थी, उसके साथ मिलकर ये खूनी सफर शुरू हुआ। जो बहू उन्हें रोज खाना परोसती थी, वही उनकी मौत का सामान इकट्ठा करने लगी। इसकी भरक उनके परिवार को नहीं लगी। इस महिला ने पति की मामी के साथ मिलकर कई महीने पहले साजिश की और अंजाम दिया। संघमित्रा और रोजा ने तय किया कि परिवार को पानी में जहर मिलकर पिलाएंगे। उन्होंने इंटरनेट पर जानलेवा जहर की जानकारी इकट्ठा की। धीरे धीरे बदन में घुलने वाला, जिसे कोई गंध ना हो, ऐसा जहरीला पदार्थ आखिरकार उन्हें मिल ही गया। 1.5 महीना पहले उसने एक राज्य से इसे मंगवा लिया और ससुराल वालों को खाने में मिलाकर देने लगी। कभी दाल में मिलाकर, कभी नॉनवेज में मिलाकर, तो कभी पानी में मिलाकर ये जहर उसने ससुराल वालों को दिया। संघमित्रा ने सबसे पहले शिकार बनाया अपनी ननद को। जब ननद कोमल के पति बाहर गए थे, तब उसने चिकन पकाया और मौका पाकर उसमें जहर मिला दिया। एक डिब्बे में भरकर वो चिकन ननद के घर ले गई। जब कोमल ने चिकन खाया तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया और जब उसकी हालत सुधर ही रही थी कि उसकी माँ और पिता की जहर की वजह से मृत्यु हो गई। इसके बाद कोमल की हालत भी खराब होने लगी और उसी में कोमल की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत
में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन दोनों के बयानों में विसंगति पाकर पुलिस को शक हुआ। संगमित्रा के मोबाइल में से पुलिस को इस बात के सबूत मिले कि उसने खतरनाक जहरीले पदार्थ के बारे में जानकारी ढूंढी थी। शुरू में संगमित्रा ने इससे इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहा जाता है कि ये जिले का अब तक का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।